स्वागत है फिर से ऑनलाइन अपलैंड में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा की संशोधित कार्यक्रम जारी। 18 जुलाई को 6 लाख अभ्यर्थी देंगे एग्जाम। तो देख सकते हैं 18 जुलाई को जो एग्जाम होने वाला है प्रवेश परीक्षा का, एंट्रेंस एग्जाम का। तो अगर ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो हम फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके एग्जाम से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 की संशोधित तिथि घोषित कर दी गई है। इस शैक्षणिक वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। प्रदेश ने संशोधित प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है। बता दें कि यूपी बीएड जेई 2021 में प्रदर्शन के आधार पर प्रदेश में करीब 2900 कॉलेजों में करीब 2,40,000 सीटों पर आवेदकों की भर्ती की जाएंगी। 5 अगस्त को आ सकता है परिणाम। इससे पहले यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 19 मई को होनी थी लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब 18 जुलाई को इसका आयोजन होने जा रहा है। वहीं प्रवेश परीक्षा का परिणाम 5 अगस्त को घोषित किया जा सकता है। तो देख सकते हैं आपका जो परिणाम होगा 5 अगस्त को घोषित कर दिया जाएगा। प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग 10 अगस्त से और शैक्षणिक सत्र 30 अगस्त से शुरू होगा। तो आपका परिणाम जो है 5 अगस्त को आ जाएगा, 5 दिन बाद यानी 10 अगस्त से आपका ऑनलाइन काउंसलिंग जो है शुरू हो जाएगा और शैक्षणिक सत्र 30 अगस्त से शुरू हो जाएगा। ये सारी डेट आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 6 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 में लगभग 6.5 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे। पिछले साल लगभग 4.5 लाख उम्मीदवारों ने प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन किया था। बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी लखनऊ विश्वविद्यालय को सौंपी गई है। तो आप लोग देख सकते हैं इस बार 6.5 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए, और पिछली बार 4.5 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। तो मतलब इस बार 2 लाख ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया है पिछले साल के मुताबिक, मतलब इसका कि इस बार ज़्यादा कंपटीशन होगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यूपी बीएड जेई 2021 में पेपर पैटर्न। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों प्रश्न पत्रों में 50-50 प्रश्नों के 2 खंड होंगे। प्रत्येक खंड में 100 अंकों का होगा। इस तरह कुल परीक्षा 400 अंकों की होगी। दोनों पेपर के लिए सेक्शन ए अनिवार्य होगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये इसका पैटर्न है। 200 अंकों का होगा, 2 खंड होगा, मतलब 400 नंबर का आपका एग्ज़ाम का प्रवेश परीक्षा होगा। तो यहाँ पे आप लोग सारा डिटेल जो है मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए जो भी आपके फ्रेंड सब हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। जो भी नई अपडेट आएगी मेरे वीडियो के माध्यम से आपको तक पहुँचेगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक करिए, जिससे मैं मोटिवेट होकर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुँचा सकूँ। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।